हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी चिकन कबाब। इसके लिए हम चना लेंगे। मैंने चने का दाल लिया है 1 कप, इसे भिंगा दिया है। मैंने चिकन लिया है, इसमें हड्डी नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम पानी में डाल के थोड़ा सा खौला लेते हैं, हमारा चिकन नरम साफ़ हो जाए, जितनी सी गंदगी निकल जाए। ऐसे पानी को फेंक के अच्छा सा हम साफ पानी में धो लेते हैं। अब हम चने की दाल में और चिकन में सीटी लगा देते हैं। हमने इसमें 2 कप पानी डाला है, इसमें हमने लौंग इलायची डाली है और थोड़ी सी दालचीनी डाली है। जब तक हम मसाले तैयार करते, दालचीनी लिए हैं, जावित्री लिए हमने, जायफल लिया, चक्रफूल लिया है, बड़ी इलायची लिए है, सौंफ लिए हमने, इलायची लौंग लिया है, लहसुन लिया है, मैंने 2 प्याज लिया है उसे कट लिया है, मेरे पास हरी मिर्च लिया है, प्याज हमने पीस लिया है। तेल में हमारा गर्म हो गया है, इसमें फ्राई कर लेते हैं हम इसे, मसालों को ऐड कर लेते हैं और इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए। ये मसाला हमारे भुने जाते हैं। चना और चिकन को हम ठंडा करके मिक्सचर में डाल के बारीक पीस लेते हैं अलग अलग। पहले हम चिकन को पीसते हैं, देखिए कितना बारीक पीसा। अब हम चने की दाल को पीस लेते हैं ठंडा करके। इन सबको हमें सूखा पीसना, पानी नहीं डाला है। मसाला हमारे भुन गए, अब इसे हम अब पीसे हुए चिकन और चने को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, उसको अच्छे से हम भून लेते हैं। और इसमें हरी धनिया भी हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारा भुन गया, अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। इसे हम गोल गोल टिक्के के शेप का कर लेते हैं। आपको बड़ा छोटा जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। अब इसको तेल में हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत इजी और लाजवाब बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ईजी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।